मोदी सरकार 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को देने जा रही है। उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। यह बात आज जिला मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज केरो ने कही। उन्होंने बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को धन्यवाद दिया। केरो ने कहा कि 1944 के बाद कभी किसी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाने या अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को सुविधाएं देने के बारे में नहीं सोचा। देश में पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत इस बार एक प्रस्ताव लाए। पत्रकार वार्ता के दौरान धार जिला भाजपा अध्यक्ष राजू यादव, भाजपा संभागीय मीडिया सह प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश तोमर सहित मीडिया कर्मी उपस्थित थे। धार से ब्यूरो की रिपोर्ट। और जिसको सहमति हमारी केंद्रीय सरकार ने दे दी है, एक अभूतपूर्व फैसला, स्वागत योग्य फैसला, इसके प्रति पूरा हमारा वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जी के प्रति बहुत ही निष्ठा के साथ सम्मान व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है आप सबके माध्यम से कि उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला लिया कि अनुसूचित जाति के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इजाफा उन्होंने किया है। मित्रों, पहले कभी 1819-19 में आप देखेंगे तो 1100 करोड़ पूरे भारतवर्ष में एक बजट प्रावधान था इस छात्रवृत्ति के लिए, जिसे बढ़ा करके उन्होंने 1100 करोड़ से सीधा 6000 करोड़ का प्रावधान आगामी वित्त वर्ष में इसमें किया है, जो कि अभी से लागू हो जाएगा। जैसे चालू वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा 2020-21। मित्रों, 1100 से 6000 का प्रावधान करना निश्चित रूप से हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के प्रति उनकी अच्छी सोच, अच्छी नियत, मन साफ कि उनका उज्ज्वल भविष्य हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए, इसीलिए उन्होंने इसमें इजाफा किया है। यहाँ 5 साल में, अगर 5 साल के अंदर लगभग 59,000 करोड़ रुपया हो जाए, जिसमें प्रतिवर्ष 5% का इजाफा भी किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार 60% का योगदान देगी और राज्य सरकारें जो हैं 40% अंश है उसका भुगतान करेंगे। 60 और 40 दोनों मिलकर के करोड़ रुपए सालाना होगा। मित्रों, केंद्र सरकार के हिस्से में जो आएगा वो लगभग 35,000 करोड़ और राज्य सरकारों के खाते में जो जाएगा वो जाएगा 25,000 करोड़। मित्रों, 1,36,00,000 छात्र ऐसे हैं जो ब्रेक ड्राफ्ट हो गए, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए छात्रों में, ऐसे बच्चों को पुनः लाने का हमारी सरकार जो है पूरा प्रयत्न करेगी, उन्हें चिन्हित करेगी, उन्हें छोड़ेगी। जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आर्थिक अभाव है और किसी प्रकार से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वो दोबारा से इन पोस्ट मैट्रिक स्कूलों में एडमिशन दिला करके इस योजना का लाभ दिलाएगी। ये हम सबको ज्ञात है कि ये जो स्कॉलरशिप की योजना है वो 1944 से लागू हुई है, लगभग 75 साल है। 75 साल में लगभग 57 साल जो है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राज किया और लगभग 45 साल जो है केंद्र सरकार में राज किया, लेकिन इन बच्चों की ओर कभी भी उनका ध्यान नहीं गया। आज 60 लाख बच्चे वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मित्रों, 60 लाख को 1,36,00,000 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया उन्हें पुनः लाना, ऐसे कुल मिलाकर के अनुमानित 4 करोड़ छात्रों को लाभ अगले 5 साल में मिलने वाला है। ऐसी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत जी की ऐसी मंशा है कि 4 करोड़ लोगों को आने वाले समय के अंदर इसका लाभ मिलना चाहिए। मित्रों, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा ये देखने में आता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के ध्यान में क्यों आया, उन बच्चों के प्रति क्यों आया, उनकी तकलीफों पर ध्यान क्या क्यों गया।
जमीनी हकीकत को समझ करके उनके प्रति सहानुभूति और सद्भाव की दृष्टि से इतना बड़ा निर्णय ये कांग्रेस भी ले सकती थी, लेकिन 57 साल राज करने बाद भी कभी भी उनका ध्यान नहीं सोने गया। आज मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।